वेलकम बैक। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बात कर रहा था डोनट्स की और यहाँ पम्पकिन क्यों फील कर रहा हूँ। भाई इसलिए फील कर रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ग्रेटेड पम्पकिन है जिससे हम बनाने जा रहे हैं हमारा डोनट, और नाम है इसका बड़ा छोटा बड़ा प्यारा सा गार्गी, यानी कि पम्पकिन डोनट्स। तो मेरे पास यहाँ पर है कद्दूकस करके रखा हुआ कद्दू। कितनी अच्छी बात है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर यह है कि क्या आपने कभी सुना है कि डोनट ऑर्गेनिक होना चाहिए? इतनी डिटेल में हम कहाँ जा पाते हैं। तो रेसिपी जो है पम्पकिन से बन रही है, डोनट तैयार हो रहा है, ऑर्गेनिक है, सिंपल है, आसान है और साथ में ही बहुत स्वादिष्ट भी है। इसके बाद इसके अंदर स्वाद जो है उसको बढ़ाने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर सौंफ और इलायची का पाउडर। हमारा जो डोनट है उसे मीठा करने के लिए हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्या, गुड़, जैगरी। अब जैगरी क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? भाई इसीलिए क्योंकि ये नेचुरल है और इसकी जो स्वीटनेस है वो पम्पकिन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी। अब आप सोच रहे होंगे ऑर्गेनिक है तो कौन सा फ्लावर जो है, किस तरह का मैदा इसमें इस्तेमाल होगा? भाई हम नॉर्मल फ्लावर तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे वन ऑफ माई फेवरेट ग्रेन्स विच इज सोरगम, यानी कि ज्वार। हमारा डो जो है वो तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, बस थोड़ा सा इसे निकालते हैं, बाकी अगर ज़्यादा हो तो फिर क्या करना है, उसको गीला कपड़ा जो है मसलिन क्लॉथ लगा के आप रख सकते हैं। चलिए ये हमने इसको थोड़ा स्प्रेड किया, इसके साथ ही थोड़ी सी स्प्रिंकलिंग। यहाँ पर आप चाहें तो आप होल व्हीट आटा जो है ऑर्गेनिक उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद छोटी छोटी इसकी हिस्से इस तरह काटेंगे, काटने के बाद इस तरह से गोल कीजिए। अब डोनट्स के दो ऑप्शन हैं, या तो आप बीच में इस तरह इसको जो है होल करके थोड़ा सा दोनों तरफ से थोड़ा एक्सटेंड कीजिए इस तरह, और जहां आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा थिक है, ज़्यादा पतला है, उस हिसाब से आप प्रेस करके उसे बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद फ्लावर के ऊपर इस तरह, और आप देखेंगे धीरे धीरे ये फैल कर अपने आप एक अच्छे से डोनट का शेप ले लेगा। डालने से पहले अगर उसके ऊपर बहुत एक्सेस फ्लावर है तो उसे डस्ट कर लीजिए, हटा लीजिए। थोड़ा सा इसको डालेंगे घुमा के इस तरह। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रेसिपी इज ऑर्गेनिक तो ये है ही। आपने देखा मैंने किसी भी लीवनिंग एजेंट का, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया है। हल्की हल्की आंच पर ये फ्राई हो रहे हैं, तब तक आइए आगे की तैयारी करते हैं। आगे हमारे पास आपको याद होगा एक कद्दू मैंने पील किया था, इसके साथ क्या करना है वो भी देख लेते हैं। इसको जो है कुछ इस तरह की पतली पतली स्लाइसेस में हम काटेंगे, ज़्यादा नहीं, 8 से 10 स्लाइसेस विल बी इनफ। थोड़ा सा उसको इस तरह ट्रायंगल का हम शेप दे देंगे, कुछ इस तरह का। और फ्राइंग से मुझे याद आया कि मेरा ऑयल जो है यहाँ पर ऑलरेडी गर्म हो रहा है, मध्यम आंच पर है। यहाँ पर मैं सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो टोटली ऑर्गेनिक है। आप कोई भी तेल जो ऑर्गेनिक हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बी वेरी केयरफुल अगर आप राइस ब्रैन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, उसका टेम्परेचर और भी कम रखना जरूरी होता है। तो आई वुड रेकमेंड सनफ्लावर या फिर मूंगफली का तेल। और आप देख सकते हैं जो अभी ऑयल है उसका मूवमेंट एकदम यूनिफॉर्म हो गया है, हल्के हल्के बुलबुले उठ रहे हैं। डोनट जो है पूरी तरह से कलरफुल हैं, थोड़े से फ्लफी हो गए, एकदम तैयार है। ऑब्वियसली जब निकालेंगे तो एक पेपर टॉवल पे, ताकि जो एक्सेस ऑयल है थोड़ा बहुत वो ड्रेन आउट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप, ये जो हमने डेकोरेशन के लिए पम्पकिन काटा है इसको डीप फ्राई करना होगा। बस धीरे से स्लाइसेस जो है डाल दें इसके अंदर, हल्का सा कलर आ जाएगा, हल्का सा ये क्रिस्प हो जाएगा, फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। इस समय चाहें तो गैस जो है उसे बंद कर सकते हैं। तो ये हमारी गार्निश भी हुई तैयार। इसके साथ साथ मैंने सोचा कि ये जो पम्पकिन का छिलका है इसको भी शेप देके इस्तेमाल करेंगे। कैसे, मीडियम हॉट ऑयल में डालते हैं, हल्का सा ये क्रिस्पी फ्राई तो नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर एक जो कच्चा स्पन है, जो अपना एक कच्चा स्वाद है, वो थोड़ा सा गायब हो जाएगा, थोड़ा सा शाइनी हो जाएगा। भाई सबकी फेवरेट इंग्रेडिएंट चॉकलेट का इस्तेमाल, कैसे, भाई मेल्ट कर लीजिए हल्का सा, बट बी वेरी केयरफुल, यूज ओनली ऑर्गेनिक चॉकलेट। क्या करेंगे, ये हमारे डोनट आए यहाँ पर, अब इतना खूबसूरत और टेम्पटिंग ये लग रहा है। रिकैप तो बनता है भाई, आप रिकैप देखिए,
मैं स्वाद लेता हूँ। गार्गी बनाने के लिए एक बोल में एक कप कसा हुआ कद्दू, एक छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर, आधा कप गुड़, आधा कप जवार का आटा मिक्स करें, डो तैयार कर और आटा स्प्रिंकल कर पेड़े बनाएं। डोनट्स की शेप देकर गरम तेल में धीमी आंच पर फ्राई करें। अब पील किए हुए कद्दू को 8 से 10 स्लाइसेस में कट करके ट्रायंगल शेप दें। ट्रायंगल्स और कद्दू के छिलके को गरम तेल में डीप फ्राई करें। डोनट्स को मेल्टेड चॉकलेट में डिप करें। पॉपी सीड्स, क्रिस्पी कद्दू स्लाइसेस, चॉकलेट और पुदीने की पत्तियों से गार्निश करें। आपकी गार्गी तैयार है।